तो उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पराली के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन पर पलटवार किया, उन्होंने कहा कि पराली जलाने से रोकने पर पंजाब सरकार जरा सा भी काम नहीं कर रही है। आंकड़े पेश करते हुए मनोहर लाल ने नसीहत दी है कि पंजाब सरकार को चाहिए कि वो पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा की तरह किसानों को प्रोत्साहन राशि दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने का हल निकालने के बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अपने किसानों को भड़का रहे हैं और अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार या किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, राज्य सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। पिछले 2-3 वर्ष से एक बहुत बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। एनजीटी ने भी बहुत बड़े संज्ञान लिए हैं और इसमें हमारे यहाँ चूंकि धान पर्याप्त मात्रा में होता है तो उस धान के जो पराली के जलाने का एक बना हुआ सिस्टम जो किसान जलाते रहे हैं, हमने बहुत जागरूकता पैदा की, हमने थोड़ा कठोरता भी बरती, फिर भी अभी एकदम मैं कहूँ कि उसको शून्य हम ले पाए हैं, शून्य कर पाए हैं जलाने को, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जबकि पंजाब में 1925 हमारी है, उनके यहाँ 13,873 है, तो इतना अंतर है। तो इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमने बहुत से प्रबंध किए हैं। किसानों को जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं कि वो उसकी बेल बना करके बिक्री के लिए, और बहुत उपयोग होने लग गया, कमर्शियल इसका यूज होने लग गया, खास करके बिजली पैदा करने में इसका उपयोग होने लग गया है। ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो ब्रिकेट्स उद्योग में भी काम आएंगी, वो ब्रिकेट्स हमारे जो थर्मल पावर हाउस है उसके अंदर भी ब्रिकेट्स का कोयले की जगह उसका उपयोग करेंगे। तो ऐसी चीजें हम शुरू कर रहे हैं और किसान को प्रोत्साहन 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। अभी आप जलाएंगे नहीं, जो जलाएगा उसको नहीं मिलेगा, नहीं जलाएंगे तो उसको 1,000 रुपया प्रति एकड़, 2 टन 1 एकड़ में हो जाता है, यानी 500 रुपया टन उसको लाभ ये मिलता है। जो खरीदार हैं, खरीदते हैं, उनको भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अप्लाई करने लग गई उस राशि को, 500 रुपया टन के हिसाब से उनको भी देते हैं, अर्थात 1,000 रुपया टन तो पहले ही देते हैं और बाकी और पैसा जो किसान को जो उपभोग कर रहा है उससे भी मिलता है। वैसा किसान को लगभग अब ये 1,800-2,000 रुपए की कीमत उसको 1 एकड़ की ये मिलने लग गई है। एक हमने कमेटी बनाई है, पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम कोई उसका एक MSP घोषित कर दें पराली का, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन देंगे ताकि उसके जो MSP होगा, जिनको पराली चाहिए कम से कम उस रेट पर वो खरीदे।